नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र डॉक्टर रवि गुप्ता, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रेट्रोगेट यानी वक्री ग्रह क्या होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यह वीडियो मैंने उन लोगों के लिए भी बनाया है जो ज्योतिष के क्षेत्र में नए नए अभी आए हैं, और यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बनाया हूँ जिनके कुंडलियों में ग्रह वक्री होते हैं। जनरली शनि, मंगल, गुरु, शुक्र और बुध, ये ग्रह जो है वक्री अवस्था में कुंडलियों में आते हैं। ऐसे राहु और केतु तो हमेशा वक्र ही चलते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात एक बताना चाहता हूँ कि आखिर वक्री ग्रह होता क्या है। देखिए दर्शकों, कोई भी ग्रह कभी वक्री नहीं होता है। वक्री का मतलब होता है उल्टा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रह उल्टा चलने लगेगा। अब हमारी पृथ्वी ही है, अब पृथ्वी अगर ये उल्टा भ्रमण करना चालू कर देगी सूर्य का, तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा, सारा चीज जो सिस्टमेटिक है वो सिस्टम से बाहर चली जाएगी। और कोई भी ग्रह अगर वक्री हो जाएगा तो उसका वायुमंडल पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, इसलिए कभी कोई ग्रह वक्री नहीं होता है। लेकिन मैं आपको यह किस माध्यम से समझा सकता हूं, एक दो उदाहरण भी मैं लास्ट में दूंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं वीडियो के मध्य में ही कि हमारे चैनल जो है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, इसके वीडियो सेक्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम है ज्योतिष ज्ञान। इसी के बीच में मैं मध्य में आपको ज्योतिष रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता रहूंगा, और आप इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देख करके निश्चित तौर पे जो है यह समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति आखिर होती क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं कि वक्री ग्रह आखिर क्या है। देखिए दर्शकों, होता क्या है कि जितने भी ग्रह होते हैं सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और कोई भी ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो सभी अपने अपने अक्ष पे घूम रहे हैं। पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रहा है और सभी ग्रह अपने अपने अक्ष पे घूम रहा है। तो अब मनुष्य क्या है कि मनुष्य का टोटली जो कैलकुलेशन है ब्रह्मांड का, वह जो है वेग पे आधारित है। यानी एक पार्टिकुलर वेग, वह वेग जब मनुष्य के मस्तिष्क पे पड़ता है तो वह वेग के अनुसार ही मस्तिष्क संचालित करता है मनुष्य के बॉडी को, क्योंकि सौर उसको जाना है। और कभी कभी क्या होता है कि जब इंसान के जीवन में गलत वेग का प्रभाव पड़ने लगता है, गलत ग्रहों का प्रभाव पड़ने लगता है, और कुंडलियों में उसकी स्थिति अच्छी होती तो हम लोग रत्न वगैरह धारण करके, और जो भी ग्रह खराब होते हैं तो उसका पूजा पाठ करके उसकी स्थिति को ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कोई ग्रह की स्थिति वायुमंडल में ऐसी हो जाती है, अर्थात सौर मंडल में ऐसी हो जाती है कि वह प्रॉपर जो है अपना वेग नहीं दे पाता है। अब लोगों को लगता है कि सूर्य जो है इस प्रकार से सूर्य का परिक्रमा सभी ग्रह इस प्रकार से कर रहे हैं, नहीं, सूर्य का परिक्रमा इस प्रकार से नहीं हो रहा है। जैसे कि सूर्य मध्य में तो सभी ग्रह इस प्रकार से सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि सभी ग्रह जब इस प्रकार से सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि यही कारण है कि जिसे उत्तरायण और दक्षिणायन भी बोलते हैं। यानी यह ब्रह्मांड को जो है ना 12 भाग में बांट दिया गया है, और सभी का जो जिस जगह पे जो ग्रहों का क्लाइमेट से, मतलब कह सकता हूं कि जिस एरिया में जिस जिस चीजों की क्लाइमेट से, उस स्थानों का उससे रिलेटेड जो भी ग्रह है उसके वो स्वामी बना दिए गए हैं, जिसे हम लोग राशि बोलते हैं। यही कारण है कि ग्रह की स्थिति जब इस तरीके से चलती है सूर्य का, तो कुछ ग्रह 6 ग्रह नीच के भी हो जाते हैं और कभी कभी 6 ग्रह उच्च के भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति जो है देखी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब क्या होता है कि कोई ग्रह जब पृथ्वी किसी ग्रह के नियरेस्ट में वो परिक्रमा कर रही है, तो वो परिक्रमा करने के दरमियान में क्या होता है कि वह ग्रह एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और करीब आ जाते हैं तो उसका जो वेग होता है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण फल होता है, वो प्रॉपर जो है सिमिलर नहीं हो पाता है। यानी वह आगे पीछे हो जाने के कारण जो है वह ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पे या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि अगर दो व्यक्ति, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक साथ अगर चल रहे हैं, या इस तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता, मैं आपको समझा सकता हूं कि अगर किसी एक डोर को पकड़ करके दो व्यक्ति, एक 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 डोर को दो भाग में बांट दिया गया है और एक व्यक्ति इस तरीके से खींच रहा है और एक व्यक्ति इस तरीके से खींच रहा है, तो उसका प्रभाव बहुत सिमिलर पड़ेगा, इक्वल पड़ेगा, और वह पावर ज्यादा रहेगा। यानी ये एक परफेक्ट उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक डोर है और उसके एक व्यक्ति आगे पकड़े हुए और एक व्यक्ति पीछे पकड़े हुए है, तो ऑब्वियसली क्या है कि ताकत में थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं कमी आ जाएगा। तो पृथ्वी के साथ भी यही होता है, हम लोग तो पृथ्वी पे रहते हैं, और जब कोई पृथ्वी
अन्य ग्रहों के नजदीक में जब पहुंच जाता है तो उसका वेग प्रॉपर नहीं पड़ता है, और वेग प्रॉपर नहीं पड़ने के कारण क्या होता है कि वह वेग जो है तिरछा पड़ जाता है। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूं, कोई आदमी आपके आमने सामने खड़ा है तो वह परफेक्ट है कि हाँ कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि हाँ ये ग्रह इतनी दूरी पर रहेगा, इतनी डिग्री पर रहेगा तो ये परफेक्ट फल देगा। लेकिन वो ग्रह नजदीक आ जाएगा, अगर कोई दो व्यक्ति अगर आपके नजदीक है और बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो उसका वेग जो है वो इतना ज्यादा पड़ेगा कि हो सकता है वो नेगेटिव फल भी देने लगे। तो कहीं ना तो कहीं मैं कह सकता हूं कि एक एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन ऑफ माइंड है कि ये दिशा में इतनी स्थिति में अगर ये सभी ग्रह रहते हैं, इतनी डिग्री पे रहते हैं, इतनी राशियों पे, इतनी उच्च के होते हैं, नीचे के होते हैं, तो वो परफेक्ट फल मिलता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी से नजदीक, पृथ्वी जब नजदीक में किसी ग्रह का चला जाता है परिक्रमा करने के दरमियान में, तो उसका प्रभाव प्रॉपर इंसान पे नहीं मिल पाता है, तो इसको हम लोग वक्री ग्रह कह सकते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा सकता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि गुरु जी मेरा शुक्र का महादशा चला और शुक्र कुंडली में मेरे उच्च के थे लेकिन मुझे शुक्र का फल पूर्णता प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब कोई ग्रह वक्री होगा मित्रों तो वह प्रॉपर फल नहीं देगा, उसमें ड्यूल नेचर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ये याद रखिएगा। जी हाँ, मार्गी का मतलब होता है कि जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं कि किसी व्यक्ति के फिफ्थ हाउस में अगर मान करके चलिए कि बुध बैठा हुआ है और वह वक्री नहीं है, एक अच्छे पोजीशन पे, हेल्दी पोजीशन पे है, तो वह बुध फिफ्थ हाउस संतान का होता है, बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है, लॉटरी सट्टा का होता है, अचानक धन की प्राप्ति का होता है, नौकरी का होता है, तो वह क्या करेगा, अब फिफ्थ हाउस में बुध बैठ गया तो ज्योतिष शास्त्र में लोग देखते हैं कि फिफ्थ हाउस के अगला हाउस जो होता है वो सुख हाउस जो होता है, सिक्स्थ हाउस जो होता है, तो फिफ्थ हाउस से अगले हाउस में जो है शिक्षा से उसकी कैसे सुख की स्थिति रहेगी, वह धन से उसकी कैसे स्थिति रहेगी। यही कारण है कि आप कभी कभी देखेंगे किसी का बहुत ज्यादा अगर पैसे कमा लेता है, अचानक धन की प्राप्ति कर लेता है, तो सिक्स हाउस जो होता है वो शत्रु का होता है। यानी फिफ्थ हाउस की स्थिति अगर अच्छी नहीं रहेगी, ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, तो सिक्स्थ हाउस में उसको शत्रु उत्पन्न होंगे, केस मुकदमा होगा, परेशानी हो जाएंगे। तो यही कारण है कि कोई भी ग्रह, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दर्शकों कि जब कोई भी ग्रह वक्री होगा तो वह वक्रता वाला फल जो है एक वो अपने घर का भी देगा और एक घर बैक में देगा। कोई ग्रह मार्गी रहेगा तो अपने फल का भी फल देगा और एक घर आगे का भी देगा, ये याद रखिए। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो जब वो पुनः मार्गी होता है तो वह घर पीछे से जाकर के मार्गी होता है। यानी मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर सपोज डेट मिथुन राशि पे बुध वक्री चल रहा है तो जब वह मार्गी होगा तो वृष राशि पे आएगा, उल्टा होगा, और अगर वह मार्गी मिथुन राशि पे है तो नेक्स्ट ग्रह को जब वो परिवर्तित करेगा तो वह जो है वो कर्क राशि पे जाएगा, ऐसा होता है। तो यानी ग्रहों का वेग जो होता है वो एक वेग एक एक ग्रह पहले हुआ असर देता है। यही मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर किसी की कुंडली में सेकेंड हाउस पे वक्री बुध बैठा हुआ है तो सेकेंड हाउस शुभ नहीं होता है। किस मामले में? वक्री ग्रह के मामले में। अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, माफ करेंगे, कि अगर बुध सेकंड हाउस पे वक्री बैठा हुआ है तो क्या होगा कि वो सेकंड हाउस का मित्र का होता है, विवाह का होता है और धन का होता है। तो वो वक्री बुध क्या करेगा, वो वाणी का कारक है, तो वह क्या करेगा कि सबसे पहला तो आपके स्वास्थ्य को अटैक करेगा, वो किडनी का कारक है, वो नसों का कारक है, वो सांस लेने का लॉर्ड है, तो कहीं ना तो कहीं वो क्या करेगा कि इन सभी बीमारियों को डेवलप करेगा, क्योंकि हेल्दी पोजिशन पे नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को जिसके कैपेसिटी 50 kg वजन उठाने की, आप उसको 1 क्विंटल उठाने के लिए दे देंगे तो वो किसी को किसी तरह तो उसको उठा देगा, लेकिन वो सामान की सुरक्षा को नहीं हो सकता है, नजरअंदाज कर दे वो सामान बर्बाद हो जाए आपका। तो वही ग्रह होता है कि जब कोई ग्रह सेकंड वक्री अवस्था में बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि लग्न पे भी, उसकी लग्न का भी फल मिलेगा और सेकंड हाउस का ही मिलेगा। यानी वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाएगा, पगलाएगा, गलत लोगों से उसकी मित्रता हो जाएगी, क्योंकि लग्न का भी प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी माइंड स्थिर नहीं रहेगी उसे, और वह स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। उसी तरीके से अगर मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि किसी की कुंडली में वक्री बृहस्पति बैठा हुआ है तो महादशा जब उसकी आएगी तो अब यहाँ पे दो तरह का फल मिलेगा। सबसे पहले उसका जो लॉजिकल बाई कह सकता हूं कि स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी ग्रह होंगे वक्री रहेंगे, वह स्वास्थ्य को डैमेज करेगा, वो प्रॉपर उसको फल नहीं दे पा रहा है ना। अब आपको 200 mg की दवाई खानी है और आपको क्या है कि 400 mg का दे दिया जाएगा या 100 mg का दे दिया जाएगा, तो क्या होगा कि वो जाकर के कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा और वो रिएक्शन कर जाएगा, अशुभ फल देगा। इसलिए वक्री ग्रह जो होते हैं वो ड्यूअल नेचर के होते हैं। इसलिए कभी भी किसी कुंडली में वक्री ग्रह की स्थिति चलती हो तो इस चीजों को ध्यान रखना है कि किस हाउस में वक्री है, क्या स्थिति है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह वक्री है तो वह शुभ फल देगा। यानी हमेशा एक चीज को आप ध्यान रखिएगा
कि जब भी कोई ग्रह वक्री रहेगा तो वो 50% अपने उस घर का भी फल देगा और 50% जो उस पहले घर का भी फल देगा, 100% ये नहीं देगा। ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं। यानी जिन लोगों की भी कुंडलियों में बृहस्पति, शुक्र और शनि और बुध अगर मैं बता सकता हूं वक्री है, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि बृहस्पति उच्च के है, स्व राशि के है, तो प्रॉपर फल देगा। एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मैं जैसे शाहरुख खान की कुंडली में जो सप्तम हाउस में जो है शनि वक्री बैठा हुआ है। अब शनि सप्तम हाउस में वक्री बैठा हुआ तब तो वो विवाह तोड़वा सकता था, अत्यधिक विवाह करवा सकता था, ऐसा नहीं है। वो क्या हो रहा है कि सिक्स्थ भाव का भी फल दे रहा है। जब सिक्स्थ भाव का फल दे रहा है तो वह मैरिड लाइफ को कारक ग्रह शनि होने के कारण सिक्स्थ हाउस के वो मैरिड लाइफ को स्थिर रखे हुए, परंतु क्योंकि मैंने बताया ड्यूअल नेचर के कारक ग्रह होते हैं, यही कारण है कि कुछ ना कुछ शनि अपना प्रभाव दिखा दिया। उन्होंने उनके साथ क्या शनि अपना प्रभाव दिखाया कि अपने कॉम को छोड़कर के ना अलग कॉम से वो विवाह करवा दिया। यही होता है बकरी ग्रह, वो ड्यूअल नेचर के ग्रह होते हैं। इंदिरा गांधी की कुंडली में मैं बात करना चाहता हूं कि 11th हाउस में बकरी बृहस्पति बैठा हुआ था और जब बृहस्पति की महादशा चला तो उनको धन की प्राप्ति हुई, सम्मान की प्राप्ति हुई, क्योंकि बृहस्पति कैसा भी हो धन सम्मान तो देता है, लेकिन क्योंकि वो 10th हाउस का भी कारक हो गया, यही कारण है कि कर्म स्थान का बृहस्पति इंसान को राजयोग की पद्धति देता है। यही कारण है कि इंदिरा गांधी को राजयोग यानी प्रधानमंत्री जो है बनने पर बृहस्पति मजबूर कर दिया और वो बने भी। यही मैं बताना चाहता हूं दर्शकों कि कभी भी कोई ग्रह वक्री चलता है, वक्री अवस्था में रहता है, तो उसका प्रॉपर फल नहीं मिलता है। कोई भी ज्योतिष अगर आपको बोलता है कि धन लाभ ये वो होगा, आप कुछ उसको ना माने। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि उसकी उस भाव का जो फल है उसको बहुत स्लोली स्लोली और अच्छे से जो है आपको कैलकुलेशन करके चलना चाहिए। ऐसे मैं बताना चाहता हूं, अगर शनि वक्री रहेगा तो कुछ भी कर लीजिए, कैंसर का हार्ट का बीमारी देने में 100% वो दे सकता है। मंगल वक्री है तो ब्लड से रिलेटेड बीमारी देगा, गर्भाशय का बीमारी स्त्रियों को देगा ही देगा, ब्लड से रिलेटेड बीमारी देगा ही। बृहस्पति वक्री है तो एकदम 100% मान करके चलिए कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, पेट की विकृति उत्पन्न होगी, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम वो 100% देगा, बीपी हाई लो करेगा ही करेगा। शुक्र की स्थिति खराब रहेगी तो निश्चित तौर पर स्किन से रिलेटेड बीमारी दे देगा। बुध की स्थिति खराब रहेगी तो लीवर से, माफ करेगा, किडनी से रिलेटेड, पेट से सांस से रिलेटेड समस्याएं देगा ही देगा। यानी आपकी कुंडली में कोई ग्रह अगर वक्री होता है तो कहीं ना कहीं उस ग्रह की स्थिति को आप बहुत सावधानी पूर्वक फॉलो करें, उसकी पूजा करें और हो सके तो कोशिश करें अगर ग्रह की स्थिति वक्री है और वो मार्केस है या नीच चुका है तो बहुत कैलकुलेशन कर करके ही आप उसका रत्न पहने। कोई जरूरी नहीं कि हर वक्री ग्रह का रत्न पहन ले। मैंने देखा कि वक्री ग्रह का रत्न पहनने पर नुकसान भी होता है क्योंकि ड्यूअल ग्रह होता है। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूं, अगर नौवां भाव में किसी का बृहस्पति बैठा है उसको पुखराज कुंडली में लिखा है लेकिन वो वक्री है तो अष्टम हाउस का ही फल देगा। यानी बृहस्पति का पुखराज धारण करने का केस मुकदमा प्रॉपर्टी विवाद में फंसा सकता है, इसलिए वक्री ग्रह पे बहुत सोच समझ कर नहीं रह ले। दर्शकों चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोलॉजी का कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज मैं लूंगा आपसे इजाजत, बहुत जल्द मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके कारण आप समझें कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष ज्ञान के प्लेलिस्ट में बना रहा हूं, आप देखें और अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़े। दीजिए मुझे इजाजत दर्शकों, नमस्कार।